हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट हैं इन्हें रिजल्ट का इंतजार था, रिजल्ट आ चुका है। जिन्हें केटी लगी है उनको केटी के फॉर्म का इंतजार है, और जितने लोग पास हो चुके हैं उनको इंतजार है उनके मार्कशीट का, क्योंकि वे स्टूडेंट अलग अलग कोर्स में जाना चाहते हैं, अपने जॉब पे जाना चाहते हैं, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की। तो काफ़ी स्टूडेंट इस वक्त मार्कशीट को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि कब आने वाला है, कैसे आने वाला है। तो मैं FY से लेके MCOM MS सभी के स्टूडेंट के लिए बताने वाला हूँ कि मार्कशीट कब और कैसे क्या हमें आने वाला, किनका आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, इस स्क्रीन के ऊपर ध्यान देते हैं और पूरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं। जितने भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर जुड़ रहे हैं मेरे साथ, प्लीज़ आज चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन ऑफ मार्क्सिट डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों को दिखा देता हूँ कि सेकेंड ईयर BA और BCOM के स्टूडेंट का मार्क्सिट आ चुका है। अब वीडियो स्किप करके चले मत जाइए, इंपॉर्टेंट नोटिस मैं एंड तक जरूर बता दूंगा। देन उसके बाद फर्स्ट ईयर BA BCOM ऑल एंड रिपीटर स्टूडेंट का मार्कशीट दिया हुआ है। दोस्तों, जैसे कि अगर मैं मार्कशीट ओपन करता हूँ, फिलहाल तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का आया हुआ है। तो ये देखिए मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन BA एंड BCOM, ठीक है, जुलाई सेशन एनुअल पैटर्न, ठीक है। इनका जो अपना मार्कशीट है 17 अगस्त से लेके चालू हो चुका है डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। आप कलेक्ट कर सकते हो मुंबई यूनिवर्सिटी जाके, उसका टाइमिंग है कि 11 से लेके 4 बजे के बीच में आप मार्कशीट कलेक्ट कर सकते हो, और ये टाइमिंग हर किसी का है, चाहे वो BCOM हो या MCOM हो या MA हो। लंच टाइम में 1 से लेके 1.5 बजे तक का आप उस टाइम पे नहीं जा सकते हो, ना ही मार्कशीट कलेक्ट कर सकते हो, वो उनका लंच टाइम है। जाते वक्त आपके पास आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया ID, हॉल टिकट, जो भी आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी प्रूफ हो आप वो लेके जाना है। जाते हुए आपको दोस्तों रूम नंबर 211 में जाना है और आपके डॉक्यूमेंट दिखाना है और आपको आपका मार्कशीट कलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप मार्कशीट आप नहीं लेने जाते हो, आपके बिहाफ पे आपका कोई पेरेंट्स जाता है, ठीक है, ब्रदर सिस्टर जो भी जाते हैं और मार्कशीट कलेक्ट करना चाहते हैं तो कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके पास आपका दिया गया सब डॉक्यूमेंट प्लस आपके द्वारा दिया गया अथॉरिटी लेटर होना चाहिए, जिसमें मेंशन होना चाहिए कि मैं इस वक्त मार्कशीट कलेक्ट नहीं कर सकता, मेरे बिहाफ पे 100% जो मेरे रिलेटिव या जो भी है पेरेंट्स हैं वो जाके कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो अथॉरिटी लेटर पे आपका साइन होना चाहिए और ये जाके जब सबमिट करेंगे तभी दोस्तों आपके पेरेंट्स को आपका मार्कशीट दिया जाएगा। अब ये तो रही थी बात कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मार्कशीट आ चुका है। दोस्तों, आपको पता होगा कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम भी सबसे पहले ख़त्म हुआ था और अब जाके उनका मार्कशीट आया है। अब बात करते हैं TY, MCOM और MA स्टूडेंट को लेके। दोस्तों, इनका एग्ज़ाम ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 मंथ हुआ या 1.5 मंथ हुआ है कि इनका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो इनको और भी कुछ 1 मंथ तक का वेट करना पड़ेगा, उसके पहले आप लोगों का भी मार्कशीट रिलीज़ कर दिया जाएगा। मेरे को पूरा विश्वास है कि 1 महीने के पहले ही मार्कशीट आएगा। और दोस्तों, जो मैं जजमेंट लगाता हूँ, मैक्सिमम चांस होते हैं कि उसके बीच में हर एक चीज़ आ जाते हैं, जैसे कि रिजल्ट के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, मैंने कहा था कि 20 अगस्त के पहले रिजल्ट आप लोगों का आएगा और वैसे ही हुआ। मार्कशीट का भी दोस्तों यही एक अंदाज़ा है, क्योंकि हम इसी फील्ड में है और इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो हमें पता है कि विद इन 1 मंथ में आप लोगों का मार्कशीट आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन चैनल पे बने रहिए, हर अपडेट इस चैनल पे आपको मिलेगा, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से प्यारे गुड न्यूज़ के साथ अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।